हमारा क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ए वेक्टर हमें दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल टू हमें दे दिया 3i कैप 4j कैप +5k कैप एंड वेक्टर बी हमें दे रखा है, वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप +4j कैप -5k कैप। दैट इज द वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें इन दोनों के बीच का थीटा बताना है कि कितना होगा एंगल बिटवीन दम टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी, दैट इज द कोस थीटा। बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इन क्रॉस प्रोडक्ट में थीटा निकालने के लिए क्या हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाय में ए बी। ये दो मेथड होंगे इसमें। मेथड नंबर वन में तो क्या निकल जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कोस थीटा इक्वल टू क्या जाता है हमारे पास इक्वल टू जीरो। तो ए डॉट बी हम अगर करेंगे तो ए डॉट बी कितना देगा 9 + 16 - 25, दैट इज द ए डॉट बी, दैट इज द फर्स्ट मेथड। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 और 16 दोनों को अगर हम मिलाएं तो 25 - 25 इक्वल टू क्या गया जीरो। मेथड नंबर टू इसमें क्या निकालना है हमें ए बी। ए हमारे पास क्या है ए बी निकालना है, तो ए बी ए क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, दैट इज द ए। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 9 + 16 + 25 यानी अंडर रूट 15। ओके बी बी क्या आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, दैट इज द बी। ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 15। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी क्या है हमारे पास 0 डिवाइड बाय में रूट 15 इंटू में रूट 50 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 90 डिग्री, दैट इज द आंसर। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच 90।